बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आटा और सूजी के बिस्किट। अल्लाह से ये बिस्किट बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। एक प्याली में बहुत सारे, देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के बिस्किट तैयार हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आटा और सूजी के बिस्किट, बहुत मज़े के बनाएंगे, बहुत आला रेसिपी है। सबसे पहले हमने आधी प्याली चीनी ली, कम ज़्यादा मीठा आप लोग कर सकते हैं। आधी प्याली दूध लिया, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते ताकि चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने, ये देखिए चीनी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गई है। अब 3 चम्मच घी है, घी को हमने पहले से गर्म कर लिया था, इसे अच्छे से मिला मिक्स कर देंगे। 1/4 चाय का चम्मच इलायची पाउडर, 5 चम्मच सूजी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे भी। 1 प्याली वाइट आटा है, ये हम सारा इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एक डो बना लेंगे, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम, बिल्कुल नॉर्मल डो बनाएंगे हम। अभी हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे। डो हमने बना लिए, ये देखिए ना डो ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम। अब हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए रख देते हैं, जब तक इंतज़ार करते हैं। 10 मिनट हो गए और माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की हो गई है ये। अब हम इसमें से आधा इसका एक पेड़ा बनाएंगे और इसे बेल लेंगे। बस अभी हम इसको बेलते, इतना मोटा रखेंगे, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा। अब इस तरह का कटर से हम इस तरह कटिंग कर लेते हैं। ये माशाल्लाह से बिस्किट बहुत मज़े के बनते हैं। अभी थोड़ा सा हमने जर्दे का कलर लिया हसब ज़रूरत, अब इस पर हम इस तरह कर करके थोड़ा सा हल्का हल्का सा डिज़ाइन बना लेंगे इस तरह। ये देखिए ये माशाल्लाह से बहुत मज़े के बिस्किट बनते हैं, खाने में भी बहुत लाजवाब रेसिपी है। चूल्हा हमने पहले से जला दिया और ऑयल गरम करने के लिए हमने रख दिया, आप लोग ये घी में भी बना सकते हैं। अब हम इसे उठा के और तल लेते हैं। ऑयल बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा ठंडा, माशाल्लाह से। ये देखिए इसी तरह हम सारे बिस्किट डाल देंगे इसमें। कम से कम 3 मिनट हम एक तरफ पकाएंगे और 2 मिनट हम एक तरफ पकाएंगे। लाजवाब रेसिपी है, बहुत आसान करके ये बिस्किट बनते हैं। 5 मिनट हो गए हमें पकाते हुए, ये देखें अब हम इसे पलट लेंगे। कम से कम 1 मिनट हम एक तरफ पकाएंगे इधर से, ये सारे हम इसी तरह पलट लेंगे। 5 मिनट हो गए एक तरफ पकाते हुए और 1 मिनट हमने एक तरफ पकाया, और अभी हम इसे निकाल लेंगे सारे। माशाल्लाह ये बिस्किट बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत आला रेसिपी है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है, खाने में भी बहुत मज़े के बिस्किट बनते हैं ये। 1 प्याली में हमने कितने सारे बिस्किट तैयार कर लिए ये देखिए। इसी तरह हम सारे तल लेंगे। हम डिश आउट कर लेते हैं, माशाल्लाह से बहुत गर्म है। 1 प्याली में लाजवाब रेसिपी, बहुत बहुत सारे, ये देखें इतने मज़े की रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, मेरे तरीके से बनाएं। एक प्याली में प्लेट भर के, माशाल्लाह देखने में भी बहुत खूबसूरत रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, मेरे तरीके से बनाएं। माशाल्लाह से ये बिस्किट बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। 1 प्याली में बहुत सारे, देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के बिस्किट तैयार हुए, खाने में भी आला रेसिपी है, देखने में भी बहुत खूबसूरत रेसिपी है। चेक करवा देते हैं, इतने खस्ता इतने मज़े के बिस्किट है ये, खाने में भी बहुत लाजवाब रेसिपी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो अमाल में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।